फ्रेंड, दिस इज योगेश शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। तो गाइस, आज हमारा है छठवां दिन मनाली में और आज हम कहीं जाने के लिए घूमने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको मनाली का कल्चर दिखाया जाए। जो हिमाचल में जो लोग रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका घर है, किस तरह से वो रहते हैं, उनके घर में क्या क्या सुविधाएँ हैं, और मतलब जो जो यहाँ की जो खूबियाँ हैं, जो जो यहाँ की अच्छाइयाँ हैं, वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो भाई, जिस घर पे हम ठहरे हुए हैं वो अपने फ्रेंड का घर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से जो यहाँ के मनाली के घर होते हैं और किस तरह का यहाँ का कल्चर है, वो सब आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, ताकि और भी जो अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो जो आने वाली है उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई, घर जो है हमारे फ्रेंड हैं उनका घर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए भाई, इस तरह से कुछ घर होता है भाई। इसका नक्शा है और ये जो रोड है भाई, ये रोड से काफ़ी नीचे में रहते हैं। ज़्यादातर घर जो मैंने देखे हैं वो रोड से काफ़ी नीचे में होते हैं, इसके बाद फिर ऊपर साइड में होते हैं। तो भाई देख सकते हैं आप, रोड का लेवल जो है ना, ये रोड का लेवल है, यहाँ पे आधा घर नीचे है, आधा घर रोड से ऊपर है। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। और जैसा कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, तो भाई यहाँ पे देवता को बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो पहाड़ है उनको देवता के रूप में यहाँ पे लोग मानते हैं। बाकी मैं ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऊपर का पूरा जो भी सिस्टम है। तो भाई ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम लोग आए ऊपर, ठीक है। और भाई देखने में क्या तो अल्टीमेट लग रहा है यार, क्या खूबसूरती है भाई। मकान मतलब इतने खूबसूरत बने हुए हैं ना, यही नहीं आस पास के भी जो मकान है ना, वो भी इतने खूबसूरत होते हैं, देख सकते हो आप। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे मकान हमें देखने को मिलते हैं, उसका कारण यही है। और ये इतना जो ज़्यादा स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप इसलिए देते हैं क्योंकि जब कभी बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ इस पर रुके ना, पानी अंदर ना जाए किसी भी तरह से, और बर्फ़ जो है ना सीधी इस पर नीचे गिर जाए, इस पर से फिसल के नीचे गिर जाए, इस पर जो है ना बर्फ़ रुके ना। अगर इससे पहले के कल्चर की बात करूँ, सो फ्रेंड्स, इससे पहले ना इस तरह के पत्थर के घर हुआ करते थे, जिनमें पत्थरों की जो फर्सियाँ हैं ना, पतली पतली फर्सियाँ होती थी और उनकी छत होती थी। इस तरह से आप देख सकते हो ये मेरे सामने है अभी। बाकी अब चलते हैं अपन घर में अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई, ये अंदर घुसने से पहले ही जो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं जिनकी हाइट काफ़ी नीची है। भाई देखो आप, मतलब इन पर बैठने में भी ना एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही मज़ा आता है। बाकी हर जगह यहाँ पर इस तरह से, वाह क्या बात है। तो भाई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं घर में अंदर हॉल की। भाई ये देखो आप। सो गाइस, अपन आ चुके हैं घर में हॉल में। तो भाई हॉल जो है वो कुछ इस तरह है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब अगर यहाँ पे 15 लोग भी आ जाएं, तो भाई 15 लोग जो है ना, एक साथ अपने कुशन के साथ आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सिटिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हर घर में ही होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी घरों पे अभी तक विजिट किया है, जो भी यहाँ पे लोकलिस्ट हैं, उन सबके यहाँ पे मैंने जब जाके देखा है, तो भाई इस तरह की जो व्यवस्था है, सुविधा है, वो मुझे हर जगह मिली है। और ये हर जगह आपको इस तरह से बिछे हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ठंड से बचने के जो भी मैक्सिमम उपाय हैं वो सब यहाँ पे किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर ये एक लकड़ी का मतलब जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड को सब जगह अप्लाई किया गया है, क्योंकि इससे सब मानते हैं कि भाई इससे जो है ना घर गर्म होता है, ठीक है। बाकी दीवार काफ़ी पीछे यहाँ पे कवर्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी सारा डेकोरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाई खूबसूरती में कोई कमी नहीं है घर में, चार चांद लगाती है भाई इस तरह की खूबसूरती। ऐसे घर जो है हमें भोपाल में देखने को नहीं मिलते हैं, एमपी में नहीं मिलते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। सो गाइस, अब हम चलते हैं इसी घर में किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किचन की तरफ, जो कि भाई मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा पसंद आया ना फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे किचन। देख सकते हो आप भाई, इतना खूबसूरत सीटिंग, आप देखो भाई सीटिंग जो स्टाइल है भाई, गजब का यार। मतलब दो लोग यहाँ, तीन लोग वहाँ, ऐसे करके चारों तरफ लोग बैठते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं। और ऐसे क्यों बैठते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसका कारण है ये तंदूर। गाइस ये तंदूर है जिसका पाइप ऊपर जा रहा है, छत में से क्रॉस होकर ऊपर निकल गया है, जिसमें से धुआं वगैरह बाहर जाता है। और जो हमारे फ्रेंड है वो इस समय यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और भाई यहाँ का जो देखो आप स्टैंड स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर जो देख सकते हैं आप कबर्ड वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं अगर बात करूँ ना फ्रेंड्स तंदूर की, तो ये जो तंदूर है इतना ज़्यादा गर्म होता है कि भाई सब लोग जो है ना, ज़्यादातर किचन में ही अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। और भाई तंदूर जो है ना, इसकी क्षमता भी बहुत अच्छी है। अगर सुबह इसको जलाते हैं तो दिन भर ये तंदूर जो है ना रूम को गर्म रखता है हमेशा। बाकी ये कुछ कवर्ड है और ये
बूट के जो बूट के जो पट्टी वगैरह है ना, जो प्लाई वगैरह है, वो इस तरह से यहाँ पे लगी हुई है। ये जो लकड़ी होती है गाइज, ये वही लकड़ी है जो मैंने अपनी वीडियो में पहले आपको दिखाया है, और जो वीडियो में जो पेड़ दिखाए आपको, वो लंबे लंबे जो पेड़ दिखाए थे मैंने, वो उसी की ये लकड़ी होती है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और इसकी जो लाइफ होती है ना फ्रेंड्स, मतलब पेड़ की लाइफ ही कम से कम 100 साल से ऊपर होती है, ठीक है। तो इस लकड़ी की लाइफ जो है ना वो भी काफी ज्यादा होती है। तो भाई एक बार लगाने के बाद जो है ना भूल जाना है कि भाई मतलब लकड़ी को अपने को दोबारा कुछ करना भी है। भाई ये कुछ यहाँ का घर है, देख सकते हो आप कितना खूबसूरत, कितना अच्छा कल्चर है यहाँ का। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड रूम की। तो भाई यहाँ पे रूम किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, एक रूम है, रूम में आ चुके हैं। तो भाई रूम भी आप देख सकते हो, थोड़ा सी लाइट वगैरह ऑन कर लेता हूँ मैं। वाह भाई, पूरे घर में आप देख सकते हो, हर जगह पे जो है ना इस तरह के गद्दे कुशन वगैरह, गद्दे कुशन लगे हुए हैं, और यहाँ पे हर तरह की सुविधा आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट आते हैं ना, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जो टूरिस्ट लोग होते हैं ना, वो टूरिस्ट जो कॉटेज करते हैं, वो कॉटेज भी कुछ इसी तरह से उन लोगों को प्रोवाइड की कराए जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये विंडो है, ठीक है, एक विंडो उस साइड है, और उस विंडो के जो व्यू है भाई, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये का विंडो है, देख सकते हैं आप, थोड़ा इस पे जो है ठंड के कारण ओस जमा हुआ है, लेकिन भाई जो व्यक्ति इस जगह पे सोएगा भाई, उसको सामने क्या व्यू दिखेंगे आपको, देख सकते हो भाई, वो देखो सामने इस तरह के व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप बेड पर रहकर भी जो है ना, मतलब इस तरह के व्यूज़ आपको ईजिली दिख जाएंगे। तो भाई यहाँ के जो घर हैं, इस तरह से डिज़ाइन होते हैं सभी जगह पर, ऐसा नहीं है कि मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी घर हैं वो सब इसी तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। भाई इन घरों में जो है ना ठंड भी कम लगती है, प्लस जो वातावरण है वो हमेशा गर्म रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ घर के बाहर, और अब अपन चलते हैं छत की तरफ। भाई छत पे चलते हैं, और छत से दिखने वाले जो नज़ारे हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सबसे पहले तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आओगे ना भाई साहब, क्या बात है, सामने देखो आप क्या नज़ारा है, आए हाय, ये देखो क्या मस्त व्यू है भाई। ये जो पहाड़ है, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था 2-3 दिन से, यहाँ पे क्या मौसम ख़राब चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कई सारे जो रास्ते हैं टूरिस्टों के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। तो भाई हम तो एक दो जगह गए थे घूमने के लिए, बाकी भाई ये छत है यहाँ पे, और देख सकते हो व्यू, जिस साइड देखोगे भाई उस साइड ही व्यू मिलेगा आपको। ये देखो हर तरफ व्यू बड़े गजब हैं, ये देखो भाई, आए हाय क्या बात है। और जो मैंने किचन में आपको चिमनी दिखाई थी, वो चिमनी जो है ना ये आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अभी मैं आपको बताऊँ तो देखो गरम गरम भाप आ रही है, यहाँ पे भी आप बैठ के हाथ सीख सकते हो, जस्ट जोकिंग। बाकी गाइस व्यूज़ देखिए आप, तो भाई देवभूमि हिमाचल को ऐसे ही नहीं कहा जाता, हिमाचल जो है ना देवभूमि है भाई, इसीलिए यहाँ पे इतनी हरियाली, इतनी शांति है भाई, नेक्स्ट लेवल यार। यहाँ पे आने के बाद पता नहीं जाने का मन कैसे होगा, खैर ठीक है, लेकिन भाई अपने अपने मुकाम पे जाना तो पड़ेगा अपन सबको। तो भाई मैं आया था तो सोचा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो गाइस जो मैंने घर आपको दिखाया, ये तो पक्के घर हैं, लेकिन जो पुराने जो देवभूमि थी, जो पहले जो मतलब हिमाचल में जिस तरह घर होते थे ना गाइस, वो ये हैं, देख सकते हैं आप। अभी इस घर में सिर्फ घास और लकड़ियाँ रखने के काम आता है, लेकिन पहले जो है ना इस तरह से यहाँ पे घर हुआ करते थे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, और इनका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चल के। सो गाइस ये जो घर हुआ करते थे पहले, इनका आप स्ट्रक्चर देखिए एक बार, इनमें अभी सिर्फ घास और जलाने के लिए लकड़ियाँ रखी हुई, क्योंकि भाई यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो उनको सेफ रखना पड़ता है भाई, क्योंकि यहाँ पे आग जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो ये हमारा स्टार्क आ गया है, हो स्टार्क बोल रहा है भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो भाई वीडियो को। स्टार्क स्टार्क आ जाओ, चलो स्टार्क से मिल लेते हैं, आओ। स्टार्क, अरे अरे भाई स्टार्क को बड़ा अच्छा लगता है, मेरी स्टार्क से दोस्ती हो गई है भाई, स्टार्क जो है ना यहाँ का बहुत वफादार है, और यहाँ के डॉग्स भी ना गाइस देखो आप, जर्मन शेफर्ड जैसा लग रहा है, जबकि यहाँ की लोकल देसी ब्रीड है। तो भाई ये स्टार्क है, और ये हमें जर्मन शेफर्ड जैसा लग रहा है, लेकिन ये यहाँ की लोकल ब्रीड है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के जो जानवर हैं, कुत्ते होते हैं ना, उनके बाल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, देख सकते हैं आप।
तो भाई इस टैक से करते हैं बाय बाय, चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। जाओ जाओ। सो गाइस, इस वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा भाई? यहाँ का जो कल्चर था, जो घर जिस तरह से बने हुए हैं, जो घर के जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बनते हैं, ये सब मैंने आज आपको दिखाया था। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।